दौरान इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित करता रहता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में उनके साथ होता हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो बड़ा लाडला है। हमारी धरोहर को, हमारी क्लासिकल म्यूज़िक को, हमारे अभंग वाणी को या इस तरह के जो क्लासिक प्रोग्राम्स है उनको प्रमोट करने के लिए संजय हमेशा तत्पर रहता है, धड़पड़ाता रहता है, जिसके लिए मैं उसके बहुत करीब हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हमेशा उसके मन में और उसके इस तरह के प्रोग्राम करने के उसकी मन में हमेशा इच्छाएं जागृत रहे और नए नए आर्टिस्टों को भी वो हमारे ऑडियंस के सामने लाता है। इससे बड़ा और कार्य क्या हो सकता है संगीत के लिए, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आशीर्वाद भी देता हूँ और इसी तरह के कार्यक्रम वो हमेशा करता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। जी, क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो सुरेश वाडेकर क्लासिकल म्यूज़िक के जनक जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से आज क्लासिकल म्यूज़िक लुप्त होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्लासिकल म्यूज़िक का जनक होता तो मैं कभी गाता नहीं था। मैं मतलब 5000 साल पहले ही मैं कहीं बैठा हूँ, मतलब अभी तक बैठा रहता मगर लोगों के सामने नहीं आता। इसके जनक 5000 साल पहले आए थे। मैं तो एक सेवक हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, और विद्यार्थी के नाते मैं अपने म्यूज़िक को लोगों तक अपने ज़रिए उनको एंटरटेन करने के लिए पहुँचाता रहता हूँ और आने वाली जनरेशन को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी मुझे टूटा फूटा आता है मैं उनको सिखा के हमारे इस फील्ड में उनको आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ।